कि ज़्यादा वोट देता नहीं मुसलमानों को, न वार्ड में, न मुखिया में, न समिति में, न जिला परिषद में, न विधायक में, तो आखिर हम उसके साथ क्यों रहेंगे? हमको से ना बोला है, जरा बीपी हाई हो जाता है हमारा, हाँ बीपी हमारा हाई हो जाता है ना बोलवाई। नीतीश कुमार तो मानता हूँ काम किया है, लेकिन ये लोग जो नेता बदलू दल बदलू है दल। बोचहा उपचुनाव मैदान में है और बात आ गई है मुसलमानों के मान और मिजाज को टटोलने का कि आखिरकार मुसलमान भाई किन्हें वोट करेंगे। मुसलमानों की बस्ती में है, उनसे जानेंगे कि आखिर इस बार का मूड क्या है यहाँ के लोगों का। मुस्लिम का यहाँ जो सिचुएशन है, और आई विधानसभा मेरे मुस्लिम कैंडिडेट लड़े थे, वहाँ कोई दूसरा लोग वोट दिया नहीं, मुस्लिम का वोट लेकर रह गया। हम लड़े जिला परिषद, मेरी वाइफ लड़ी जिला परिषद 36 से, वहाँ लोग वोट दिया नहीं, सिर्फ मुस्लिम का वोट लोग लेते हैं, वोट लोग देते नहीं हैं, इसीलिए मुस्लिम का मिजाज टूटा हुआ है कि आखिर राजद के साथ हम क्यों रहेंगे। हमने वोट देंगे राजद को उसी स्तर पे, लेकिन निचले स्तर पे हमें वोट नहीं मिलेगा, तो हम वोट दें क्यों? पसंद क्या है इस बार के लिए? पसंद है इस बार मुस्लिम तो बीजेपी में जाएगा नहीं, लेकिन 30% मुस्लिम बीजेपी में जाएगा, 30% मुसलमान जाएंगे बीजेपी में जाएंगे, और बाकी मुकेश सहनी के साथ रहेंगे। मल्ला के साथ हैं इस बार मुसलमान? हाँ रहेंगे। क्या वजह रहेगी? वजह इसलिए है कि ज़्यादा वोट देता नहीं मुसलमानों को, न वार्ड में, न मुखिया में, न समिति में, न जिला परिषद में, न विधायक में, तो आखिर हम उसके साथ क्यों रहेंगे? सही बात। और हम आपके साथ हैं तो आप मेरे साथ रहें, मेरे साथ तो अब रहते नहीं हैं, हम आपके साथ क्यों रहेंगे? इसलिए ये उपचुनाव से ही लोगों को पता चला देना है, उपचुनाव जो हो रही है बोचहा विधानसभा में, इससे ही लोगों को पता चल जाएगा कि मुस्लिम का भी एक ताकत है। तो मन में कि जो पब्लिक जो होगा रुझान में वैसा हमारा किया जाएगा, बस जो पब्लिक करेगी वही करेगा, तब का जो मैंने गांव का आदमी करेगा रुझान में करेगा वो करेंगे हम। लालू यादव लोग कहते हैं लालू यादव को आरजेडी का वोट मुसलमान देता है, इस बार वैसे वही होगा? हाँ तो कैसे होगा, तो वही जैसे चल रहा है वैसे होगा, मतलब मुसलमान लालटेन देखिए वो क्या हम कहा बोलवा रहे हैं, हमको से ना बोला है, जरा बीपी हाई हो जाता है। जायजा लेने के बाद ही कोई बात, हाँ, वही बात नहीं है, जायजा लेने के बाद कोई होता है, इसलिए कि बगैर जायजा लिए हुए कोई बात नहीं होगा, करना बड़ा मुश्किल हम पड़ता है, इसलिए कि अब लोगों का रुझान किस तरफ है, लोगों का मिजाज किस तरफ बन रहा है, उसी मुताबिक कहना पड़ता है। ये बात जो कही जाती है कि लालटेन को ही आरजेडी मुसलमान वोट देंगे, लालू यादव को ही वोट देंगे, सही बात है, ऐसा ही होता है? अब ये है कि देखिए जो मुसलमान के लिए करेगा मुसलमान उसके लिए करेगा, ये तो बदला है, जो मुसलमान का ख्याल करेगा मुसलमान उसके लिए ख्याल करेगा, अब मुसलमान के लिए जो ख्याल नहीं करेगा उसके लिए मुसलमान क्यों ख्याल करेगा? नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए काम किया है, मानते हैं इस बात को? हाँ नीतीश कुमार तो मानता हूँ काम किया है, लेकिन ये लोग जो नेता बदलू दल बदलू है ये पसंद नहीं है, लेकिन मुसलमानों के लिए काम किया है, लेकिन ये दल बदलू इंसान है, जिधर देखा साल भर में, सुने ना, पाँच साल में मुन्ना जी सब साल भर में इधर दल बदलू आ साल भर में इधर बदलू, तो उसको कुंची कहा जाता है? हम लोग तो जाहिल जट है, बड़े से कुंची तो बोलता है उसको दल बदलू दल बदलू, तो नेता लोग दल बदलू है तो क्या कहा जाए, दर के ए में दर के ओ में दर के ओ में। गाँव है सुरक्षित महसूस करते हैं, जो सुशासन की बात करते हैं सब कुछ यहाँ ठीक है? भैया ठीक है, सब अच्छा लगता है, बस जैसे समाज सब चलेगा वैसे चला जाएगा, और क्या कहा जाए। ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों को दबाया जाता है या फिर कुछ इस तरीके की बात? ऐसे तो है ये है, तो सब देख रहा है कि क्या है, आप तो उखाड़ रहे हैं, तो हमारा बात वहाँ जैबे करेगा, आप सब कर रहे हैं तो वो तो हम समझ रहे हैं ये बात को, हम पढ़े पढ़े ना, थोड़ा हमको सुने ना, थोड़ा हम ब्लड प्रेशर वाले आदमी है, थोड़ा ना बुलाइए, ये चलते कि हमारा हाई हो जाता है, नहीं समझे बउआ? किसके नाम से हाई हो जाता है? हमको ब्लड प्रेशर बीपी, हाँ बीपी हाई हो जाता है, जब बातचीत अगर हम लोग आराम से कर रहे हैं तो भी हमारे बीपी हाई हो जाता है बउआ, बात ये है। अच्छा वोट देंगे ना इस बार? वोट तो पड़वे करेगा, पैसा लेकर के दे देते हैं, कौन पैसा हम लोग के देता है? कोई नहीं पैसा देता है, बटेगा अभी चुनाव आएगा, कोई नहीं, कोई नहीं, नहीं 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 कभी नहीं कभी नहीं, पैसा वैसा नहीं ना, हम लोग पैसा कौन देता है? कोई ना, कोई नहीं देता सर। ये है कि ये जो दौर चल रहा है बीजेपी का दौर, ये
वो क्या कहते हैं चोरी करना और दादागिरी करना, इसी के वजह से वो हर जगह जो है अपना धाक जमा रही और जीत रही है। नोट पे गांव में तो नोट चलेगा इमाम साहब? नोट के ऊपर नहीं, यहाँ नोट तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी कमी यह है, जो सबसे बड़ी कमी यह है कि इंसान को तरह तरह की नरगे में जो है उगरवा लेकर, यानी तरह तरह के उसे जो है क्या कहते हैं लालच देकर इंसान अपने बस में कर लेता है, इंसान वक्त पर मारा जाता है। मुसलमान समझदार है, मानते हैं इस बात को, इस बार सोच समझ के ही वोट करेगा। समझदारी से वोट होगा इस बार। हाँ, इसलिए कि जो है अब जो हम तो साफ कहते हैं मीडिया वाले से कि जो मुसलमान का साथ देगा मुसलमान उसका साथ देगा, और जो मुसलमान का ख्याल ही नहीं करेगा, जो है जगह जगह मुसलमान के खिलाफ बोलेगा, मुसलमान को जगह जगह जो है मारा जाएगा सताएगा, तो मुसलमान उसके लिए क्या ख्याल कर सकता है। इसलिए कि इस फितने से बचने चाहिए इंसानों को, ताकि काम करता हूँ सिलाई का, सिलाई का काम जी। बोछा चुनाव में किसका दिख रहा है तुमको माहौल? माहौल तो मुझे अभी कुछ पता नहीं है जी। पता नहीं, नहीं। तो वोट करोगे ना इस बार? जरूर करेंगे। इसमें क्या मुद्दा है तुम्हारा? मुद्दा क्या, गांव में क्या चाहते हो? गांव में सुविधा बढ़िया चाहते हैं ये सब। तो हुआ है जब पहले जो विधायक रहे कुछ हुआ है बदलाव? कुछ बदलाव तो अभी मुझे कुछ बुझा नहीं रहा। कुछ नहीं बुझा जी? नहीं। तो इस बार जब जो कैंडिडेट हैं मैदान में उसमें कोई बेहतर लग रहा है जी? थोड़ा बहुत तो नहीं है। कुमारी हैं, अमर पासवान हैं जी जी। हाँ, तेजस्वी यादव पसंद है जी? वही है तेजस्वी यादव जी जी जी। लालटेन पे वोट जाएगा जी? आखिर क्यों? हम लोग के पंचायत में खुला समर्थन जो है अमर पासवान जी को है। क्या वजह? अब वजह जो है जो भी हो, लेकिन वहाँ पर पंचायत का समर्थन वही है। वो हाँ, उनका जो है काम बीच में फंसा था, जो काम उनके द्वारा जो हो गया था रोड वोड काम, बहुत रोड बहुत दिनों से नहीं बना हुआ था, जो कि उस समय शायद विधायक ये थे बेबी कुमारी थे, जो उनको बेबी कुमारी के पास गए, वहाँ से कुछ नहीं हुआ, फिर हमारे गांव में कुछ मुखिया लोग हैं वहाँ उनके पास गए, तो उस रोड को बनवाए थे। तो मतलब